हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को, और गुड मॉर्निंग जी सभी को। अभी 10:30 बजे हैं मॉर्निंग के, और मैं नहा ली हूँ। और आज देखिए, आप लोगों की फरमाइश थी कि मैं साड़ी में ही वीडियो बनाऊँ, तो देखिए आज आप लोगों के लिए मैंने साड़ी पहन ली है ग्रीन कलर की। और जरूर बताना कैसी लग रही है, ठीक है जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साड़ी में वीडियो बनाया करो, कमेंट आते रहते हैं, तो अब कोशिश करूंगी साड़ी पहनने की डेली में। अभी सर्दी भी खत्म हो गई है और मेरे थोड़ा ना कोल्ड हो रहा है, और खांसी भी आ रही है थोड़ी, और कमर में बहुत दर्द है कमर में, और यहाँ से ये पूरा इस टांग में पूरा दर्द हो रहा है यहाँ तक। तो लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड थी कि मैं साड़ी में ही वीडियो बनाऊँ, तो आज का ब्लॉग साड़ी में ही है। तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। एंड तक बने रहना, बिना स्किप किए फुल वॉच करना है, ठीक है जी। तो चलिए, हम अभी पूजा करनी है मुझे, और दो दो लड्डू गोपाल जी आए हुए हैं हमारे घर पे, मतलब एक तो हमारे हैं ही और एक और आए हुए हैं पड़ोस से, तो अभी उनको भी स्नान वगैरह कराना है और फिर पूजा पाठ करनी है। तो चलिए, आप भी हमारे साथ बने रहिए। देखिए गाइज, यहाँ पे मैं कर रही हूँ भगवान जी की पूजा पाठ। तो उनको पहले ही स्नान करवाऊँगी, उसके बाद में कपड़े वगैरह पहना के दिया बत्ती करूँगी। तो डेली का ही काम है ये। तो लड्डू गोपाल जी को मैंने, एक को तो नहला दिया है, दो हैं भगवान जी हमारे घर पे, एक पड़ोस के भी आए हुए हैं। और थोड़ा ना गले में दिक्कत हो रही है, तो माइंड मत करना थोड़ा। और ये देखिए, मैं बोल रही थी कि मेरे मैचिंग के ही कपड़े पहना रही हूँ भगवान जी को। मैंने भी ग्रीन साड़ी पहनी है और भगवान जी को भी ग्रीन ही पहना दिए हैं। और एक का तो स्नान हो चुका है और एक भगवान जी का और अभी कर देते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है ऐसे भगवान जी का काम करके, और इनको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना ना बड़ा सुकून सा देता है, मतलब मन को। और मेरी तबीयत है इस टाइम पे बहुत ही ख़राब। और देखिए, मैंने नहला दिया है और दोनों भगवान जी को कपड़े वगैरह पहना के बैठा दिया है, और दिया भी जला दिया है। अभी इनके तिलक वगैरह कर देती हूँ और बस फिर इनके मक्खन मिश्री का भोग लगा दूँगी, और दही का जो कि डेली में ही करते हैं। फिर रोटी बनाऊँगी तो रोटी खिला देंगे भगवान जी को। तो बस इतना ही है। और फिर शाम के टाइम में जोत करते ना दिया बत्ती, उस टाइम पे दूध पिला देते हैं हम लोग। और अभी मैं मिश्री डाल रही हूँ और दही ले आई हूँ कटोरी में, तो अभी ये रख देती हूँ भगवान जी के पास। तो बस हो गया भगवान जी का तो काम। अब हमारा काम करेंगे किचन का। तो बस किचन में मैंने वो क्या बोलते हैं, बैंगन उबाल रखे हैं, उनका भरता बनाना है बैंगन का। तो मैंने कुकर में उबाल लिए थे बैंगन, और लहसुन प्याज मैंने कट कर लिया है प्लेट में, अभी छील रही हूँ बैंगन को। और आज बच्चे घर पे ही हैं क्योंकि आज संडे है, छुट्टी है, संडे का ही वीडियो है ये। और लेट हो गया डालने में क्योंकि ना मेरी तबीयत ख़राब थी इस वजह से ही। और ये यसु के हाथ में है मोबाइल, तो इसलिए थोड़ा सा ना रेल बना रखी है उसने मोबाइल की, तो माइंड मत करना। तो अभी मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और इसमें तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और वो मैंने मैश करके रख दिए हैं बैंगन छील वील के। और टमाटर भी कद्दूकस कर लिया है मैंने, और प्याज और लहसुन कट कर लिया है प्लेट में। और ये जिया बैठी है यहाँ पर, बातें कर रही है बैठकर। और प्रिया साइड में बैठी है, वो कैमरे में आती नहीं है, उसको शर्म आती है आने में, वीडियो में नहीं आती है वो। जब भी हम कैमरा ऑन करते हैं तो वो इधर उधर हो जाती है, तो उसको शर्म आती है। तो अभी देखिए, मेरा तेल भी गर्म हो गया था, तो अभी इसमें मैंने डाल दिया है जीरा और थोड़ी सी डाल दी हींग। और बस अभी ये जो मैंने कट कर रखे हैं प्याज और लहसुन, इनको ब्राउन कर लेंगे, और फिर डाल दूंगी इसमें कद्दूकस किया हुआ टमाटर। और बस फिर ये अपने जो मसाले होते हैं बेसिक मसाले डेली के, वो डाल दूंगी। और ये घी दिखा रही थी मैं, तो इसको भी मतलब गर्म करना है, तपाना है मुझे। ये 2-3 दिन का घी हो रखा है, जो बिलोते हैं ना डेली में, तो क्या 2-3 दिन में एक दिन छाछ बना लेते हैं, दही इकट्ठा हो जाता है ना, तो मलाई वगैरह, तो उसका छाछ बना के और ये घी निकल आता है। तो इसको भी मैं साथ के साथ गैस पे चढ़ा दिया था गर्म होने को। इसको बाद में फिर छान कर एक डब्बे में डाल दूंगी। और इधर सब्जी भी बन रही है, तो इधर मैंने टमाटर डाल दिए थे और ये कसूरी मेथी डाल दी थोड़ी क्रश करके इसमें, कसूरी मेथी का स्वाद अच्छा आता है।
और ये देखिए मैंने इसमें सारे मसाले भी डाल दिए थे, और जो कद्दू जो वो बैंगन थे उनको मैश कर रखा था वो भी डाल दिए हैं। तो सब्जी मेरी बनी गई है। तो अभी यहाँ पे लगाने लग गई हूँ मैं आटा, और आटा लगा करके बस रोटियाँ सेक लेंगे। और दो चार बर्तन थे तो हो ही जाते हैं, किचन में काम करते हैं जब बर्तन, तो मैंने कहा चलो साथ ही साथ इनको भी धुल देती हूँ, फिर उसके बाद रोटियाँ बनाऊँगी। फिर बाद में ना इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो दो चार हैं इनको साफ़ कर ही देती हूँ हैंड टू हैंड, फिर ज़्यादा नहीं होंगे, नहीं तो फिर खाने पीने के भी हो जाते हैं। तो अभी मैं बनाने लग गई हूँ रोटियाँ, तो दो रोटी तो गाय को जाएंगी, फिर दो रोटी भगवान जी के लिए, और उसके बाद में फिर हम लोगों की बनेंगी। तो आज यीशु है तो गाय को तो यीशु ही दे आएगा रोटी, और उसको मैं दे दूंगी बना करके। हेलो गाइज, तो देखिए कैसी हालत हो गई है मेरी। ना माथे में बिंदी है ना मांग में सिंदूर है, क्योंकि आज मैं नहाई नहीं हूँ। और दर्द है मेरे पैर में, इतना भयंकर दर्द है कि बस पूछो मत। और वीडियो भी अभी मैं, जो आपने अभी देखा ये पहले की क्लिप्स हैं, तो वही मैंने ऐड कर दी हैं। और अभी वीडियो मैंने बनाया ही नहीं है 2-3 दिन से, तो बहुत खतरनाक दर्द है पैर में। कल हॉस्पिटल गई थी, दवाई लेकर आई थी, ये रखी देखिए दवाई, तो अभी ज़्यादा आराम नहीं मिला है। खड़ी होकर चलती हूँ ना तो दर्द होता है बहुत तेज़ पैर में, और ऐसे लेटी रहती हूँ या बैठती हूँ तो नहीं होता। पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा दवाई लेने के बाद में, तो बैठने पर और लेटने पर तो नहीं हो रहा, नहीं तो पहले हो रहा था। और अभी लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, पैर में ऐसे झंझनाहट सी मची हुई है। और उठ कर चलती हूँ ना तो ऐसे चक्कर सा भी आता है, पता नहीं कैसे कमजोरी सी आ गई, पता नहीं क्या। और बहुत हालत ख़राब हो रखी है सच में, परेशान हो गई हूँ मैं भी, ऐसे पड़ी पड़ी मरीज के जैसी हो गई हूँ। और आज मैं नहाई भी नहीं, मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं नहाना कभी भी मिस नहीं करती, मैं डेली नहाती हूँ, और आज नहाई नहीं ना, तो पता नहीं कैसा ही लग रहा है मुझे। लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की, कैसे नहाती, पैर से चला ही नहीं जा रहा है मुझसे बिल्कुल भी, एक पैर पूरा दर्द कर रहा है, सुन्ना हो गया है। और पता नहीं क्या दर्द है या फिर कुछ और है, तो डॉक्टर ने तो यही कहा था कि कोई वजन भार उठाने की वजह से ना नस पे नस चढ़ गई है, तो उसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो उन्होंने तो टेबलेट दी थी, बोले 7 दिन की दवाई दी है, तो बोले हो जाएगा इनसे ठीक, और नहीं हुए तो फिर से आ जाना। तो कल ही लेकर आई हूँ टेबलेट्स, तो मैं घर पे ही ऐसे ही ले रही थी, मैंने कहा हो जाएगा ठीक, नॉर्मल ऐसी दर्द होगा। लेकिन परसों की रात में पूरी रात नहीं सो पाई इस दर्द की वजह से, इतना तेज़ दर्द हो रहा। और कल सुबह में तो मैं सुबह में रोने लग गई थी ऐसे दर्द के मारे, इतना खतरनाक दर्द था, हाय राम, ऐसा दर्द मेरे कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ही हुआ ऐसा दर्द। तो इसलिए खाना वाना कुछ नहीं बना पा रही, अभी देवरानी ही बना रही है हमारा खाना वाना, और झाड़ू पोछा कुछ नहीं कर पा रही मैं, ऐसे ही पड़ा है। कल तो फिर भी कर लिया था जैसे तैसे, आज तो उठी नहीं हूँ मैं सुबह से, हालत ख़राब है। तो चलिए मैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देती हूँ, आपसे फिर मिलेंगे, ठीक हो जाऊँगी ना जब भी वीडियो बनाऊँगी। अभी मैंने कहा ये वीडियो कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि ना पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ, ये वीडियो पहले का बनाया हुआ है, संडे का है वीडियो, और आज ट्यूसडे हो गया है, तो देखिए आज उठाया है मैंने कैमरा, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब थी। अभी भी मैंने सोचा चलो इस वीडियो को पूरा कर देती हूँ, नहीं तो अभी भी मेरी हालत खस्ता ही है। तो चलिए जी, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक हो जाऊँगी ना जब भी वीडियो बनाऊँगी अब।